हेलो दोस्तों, नोटिफाइड नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको एक हम करेंट स्टेटस दिखाएंगे। अगर जिन भी छात्रों में करेंट स्टेटस वैसा सो हो रहा है तो उनकी स्कॉलरशिप इस बार नहीं आने वाली है। और रिन्यूअल वालों के लिए क्या न्यूज़ है और किन छात्रों का फॉर्म इस बार 100% वेरीफाई होने के चांसेस हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग भी नए हैं या फिर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पे हम बात करेंगे करेंट स्टेटस वाले के लिए। एक आपको हम करेंट स्टेटस दिखा देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम बात करेंगे इन छात्रों के लिए जिनके भी करेंट स्टेटस में यहाँ पे मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल इंटर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऐसे करके शो हो रहा है, इनके लिए बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे समाज कल्याण विभाग अधिकारी ने इनके लिए खबर बताया है। इन्होंने कहा है कि जिन छात्रों ने अपने मतलब यहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्म में काउंसलिंग डिटेल फिल नहीं किया है, इस बार हम उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो जिनके में भी ये शो हो रहा है, ठीक है ना, अगर उन्होंने अपना काउंसलिंग डिटेल नहीं भरा है तो उनकी स्कॉलरशिप इस बार नहीं आएगी। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग यूपी में रह रहे हैं और यूपी में इस बार मतलब हर एक चीज काउंसलिंग यानी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग चाहे बीएड कर रहे हैं, ओके, चाहे डीएलएड कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, चाहे डी फार्मा कर रहे हैं, चाहे बी फार्मा कर रहे हैं, नहीं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और यह जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, यह एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, ठीक है ना। अब यहां पर दो रीजन होते हैं एडमिशन कराने के। एक तो होता है कि आप काउंसलिंग के थ्रू जाएं, यानी कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएं, और सेकंड मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, जो लोग काउंसलिंग करवाए थे उन लोगों ने अपने फॉर्म में काउंसलिंग डिटेल भरा, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने एंट्रेंस देने के बावजूद भी यहां पे डायरेक्ट एडमिशन कराया। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये होता है कि जो एडमिशन होता है ये बहुत लास्ट में होता है, यानी कि जब सीटें बच जाती है। जैसे मान लीजिए हमको कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है तो पहले क्या होता है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट चरण में मतलब ऐसे होता है कि 1 से लेकर 15,000 रैंक तक जो भी छात्र है अपना काउंसलिंग कराएंगे। फिर सेकेंड चरण आता है तो यहां से बोला जाता है कि 15,000 से ऊपर और 50,000 के बीच में जो छात्र रहेंगे अपना एडमिशन कराएंगे। तो ऐसे करके 2-3 चरण में ये काउंसलिंग होता है। फिर लास्ट में क्या होता है, बहुत सारी सीटें बच जाती है, ठीक है ना। कॉलेज में बहुत सारी सीटें बच जाती है तो क्या करती है, यूनिवर्सिटी इसको फ्री कर देती है, बोलती है कि जो लोग भी मतलब जो भी इच्छा चाहते हैं किसी भी कारणवश काउंसलिंग में अपना एडमिशन नहीं कराएं तो वो लोग डायरेक्ट एडमिशन करा ले, ठीक है ना। तो बहुत सारे छात्रों ने डायरेक्ट एडमिशन तो कराया लेकिन उन्होंने अपने यहां पे फॉर्म में मतलब काउंसलिंग डिटेल नहीं भरा, ठीक है ना, जैसे कि आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड, जिनके भी काउंसलिंग डिटेल मिसमैच कर रहे हैं उनके लिए हम आपको देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, अगर आपने अपने फॉर्म में ऐसे भरा है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या आपके पाठ्यक्रम में प्रवेश जो है यूपीएससी एकेटीयू जेई कप नीट के माध्यम से प्रवेश हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर लेते हैं, चाहे आप डी फार्मा के हो, चाहे आप बी फार्मा के हो, चाहे बी एड हो, चाहे डी एल एड हो, चाहे पॉलिटेक्निक के माध्यम, मतलब अगर ऐसे कोर्स जिनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, यहाँ पे आपको ये काउंसलिंग डिटेल जैसे काउंसलिंग नंबर, भले से आप डायरेक्ट एडमिशन क्यों ना कराए हो, आपका ये फिल होना चाहिए, ठीक है ना, ये इतना भरा होना चाहिए। अगर आपने इतना चीज नहीं फिल किया है तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा, ये डीडब्ल्यू का कहना था। उनका कहना है कि जिन्होंने अपना काउंसलिंग डिटेल नहीं भरा है उनका फॉर्म हम रिजेक्ट करेंगे, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और जिन छात्रों ने अपना ये डिटेल भर दिया है उसके बावजूद वहां पे कुछ एरर या फिर मिसमैच आ रहा है तो उनका फॉर्म जो है आगामी समय में वेरीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात रही उन छात्रों का जिनके में मिसमैच दिखा रहा था, उन्हीं के लिए नोटिस था और ये समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ये जारी किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने अपना काउंसलिंग डिटेल नहीं भरा है, यानी कि ये फ्रेश वालों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, जिन्होंने ये भरा नहीं है उनकी स्कॉलरशिप इस बार नहीं आने वाली है, आने वाले समय में उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं हम रिन्यू वालों छात्र के, कि रिन्यू वालों के लिए क्या न्यूज है। देखिए, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती आ रही है, कुछ भी एरर आ रहा है तो उसको जानने का सही तरीका क्या है, कि मतलब अगर आपने अपने फॉर्म को रिन्यू किया है और आप अभी जानना चाहते हैं कि मेरा फॉर्म वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा, तो उसके लिए हम आपको 2-3 मेथड बता देते हैं, उसके थ्रू आप जान सकते हैं कि मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट होगा या फिर वेरीफाइड होगा, ठीक है ना। तो बात करेंगे यहाँ पे रिन्यू वालों के लिए। देखिए, रिन्यू वालों ने अपने फॉर्म में, देखिए यहाँ पे रिन्यू वालों के लिए उनका रजिस्ट्रेशन, आप लोग अगर आप पहले साल का देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल सबमिट कंप्लीट होना चाहिए, और इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड भी होना चाहिए, बैंक से वेरीफाइड भी होना चाहिए, और यहाँ पे DWO ऑफिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस से भी आपका फॉर्म वेरीफाइड होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं रिन्यू वालों के लिए जिन्होंने पहले पहले साल अपना फॉर्म भरा था, ठीक है ना, इनके में इतना सही होनी चाहिए। उसके बावजूद
मतलब उनके करेंट स्टेटस में चाहे उनकी स्कॉलरशिप आई हो या फिर ना आई हो उससे मतलब नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है। बाकी आपका फॉर्म जो है जो फर्स्ट ईयर यानी कि जब आप लोग फॉर्म फ्रेश भरे होंगे तो आपका जो फॉर्म है बैंक से वेरीफाई होना चाहिए और DW ऑफिस यानी दोनों बैंक से और DW ऑफिस से दोनों वेरीफाइड होना चाहिए। ओके तो फ्रेंड यहाँ पे बात कर लेते हैं रिन्यूअल के लिए। अगर आप अपने फॉर्म भरते समय ठीक है ना यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर भरे होंगे सही सही ठीक है ना भरे होंगे सही सही और आपके पाठ्यक्रम सत्र में प्रवेश की तिथि ठीक है ना यानी कि आप जब सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन लिए होंगे इतना फॉर्म सही किए होंगे। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपके फॉर्म में फ्रेंड यहाँ पे जो अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क जो यानी कि पैसे हैं कितने आपके लगे थे आपका गत वर्ष यानी कि जो भी गत वर्ष में दिया हुआ है हम रिन्यूअल वालों के लिए बात कर रहे हैं ठीक है ना। अगर हम जहाँ पे टिक मार रहे हैं अगर आपने ये सब कुछ सही भरा हुआ है तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है 100% वेरीफाइड होगा, उसको रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता है ठीक है ना। अगर आपके करेंट स्टेटस में कुछ भी शो हो रहा है ठीक है अगर आपने ये सब चीजें सही सही भरी हुई है ओके तो आपका फॉर्म जो है कोई भी यहां पे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ये मेरी गारंटी है आपका फॉर्म जो है 100% वेरीफाइड होगा ठीक है। तो ये बात रही उन छात्रों का जिन्होंने अपने फॉर्म को रिन्यू किया था, उनको हमने बता दिया कि आपने अगर अपने फॉर्म जब यानी कि जो फॉर्म फिलअप हो रहा था अगर आपने ये सब कुछ सही फिल किया है तो आपकी इस बार जो फॉर्म है वेरीफाइड कर दिया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में भले से आपके करेंट स्टेटस में कुछ भी मिसमैच शो हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड बाई इंस्टीट्यूट इनरोलमेंट नंबर मार्क नॉट मैच ऐसे करके शो हो रहा है या फिर ICSE CBSE बोर्ड ये करके शो हो रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में करेंट स्टेटस में कुछ भी शो हो रहा है, अगर मैंने जो जो भी आपको बताया है अगर उस चीज को आपने सही भरा होगा तो आपकी स्कॉलरशिप भी 100% आएगी और आपका फॉर्म भी 100% वेरीफाइड किया जाएगा। ओके तो फ्रेंड यहाँ पे बात करेंगे किन छात्रों का फॉर्म जो है वेरीफाइड किया जाएगा। जिनका भी फॉर्म प्रेजेंट टाइम में पेंडिंग शो हो रहा है ठीक है ना, जिनका भी फॉर्म पेंडिंग शो हो रहा है, जिनके भी फॉर्म में कुछ न कुछ मतलब मिसमैच शो हो रहा है ठीक है ना, कुछ न कुछ मिसमैच हो रहा है उनका फॉर्म वेरीफाइड होगा। जिनका जो है अटेंडेंस परसेंटेज 75% से ऊपर है उनका फॉर्म वेरीफाइड होगा। ओके और जिन छात्रों ने आपके फॉर्म में कुछ गलतियां थी उन्होंने करेक्शन कर दिया है ठीक है ना, करेक्शन करने के बाद अपनी हॉर्ड कॉपी कॉलेज में जमा कर दी है और कॉलेज वाले ने उनके फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया है तो उन छात्रों का भी फॉर्म वेरीफाइड होगा ठीक है ना। तो ये रहे ऐसे छात्र जिनका फॉर्म वेरीफाइड होने के 100% चांस है। आने वाले समय में यानी कि 20 से 28 फरवरी के बीच में आपका जो फॉर्म है करेंट स्टेटस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू अपना करेंट स्टेटस चेक करते रहिए और वहां से आप लोग जान सकते हैं कि मेरा फॉर्म क्या है। लेकिन जहां तक उम्मीद यही है कि बहुत सारे छात्रों का फॉर्म जो है वेरीफाइड किया जाएगा, इस बार DW की गलती की वजह से बहुत सारे छात्रों का जो फॉर्म है यानी करंट स्टेटस है उसमें कुछ ना कुछ मिसमैच हो रहा था। तो फ्रेंड आप लोग को घबराने की या फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहां पे आपका रिप्लाई दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जानकारी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।